उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से साइकिल पर अभिषेक कुमार यादव भारत यात्रा पर निकल पड़े हैं और सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर सरायपाली पहुंचे। उनका स्वागत समाज के लोगों ने किया है। सरकार से मांग की गई है कि अहीर रेजिमेंट की स्थापना जल्द से जल्द सेना में की जाए। अभिषेक यादव ने कहा कि उन्होंने आगरा से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और अभी तक तकरीबन 4,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा वो कर चुके हैं। अभी तक 12 राज्यों में यात्रा कर चुके हैं। मैंने अपनी यात्रा आगरा से स्टार्ट की थी और आज मेरे 12 स्टेट कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 4,000 किलोमीटर दूरी हो चुकी है और जो इसका मोटिव है अहीर रेजिमेंट। मैं भारत सरकार से यही मांग करता हूं कि भारतीय सेना में एक अहीर रेजिमेंट का भी गठन करें। क्यों मांग कर रहा है अहीर रेजिमेंट की? वो मांग इसलिए कर रहा हूँ कि रिजांगला में एक बार हुआ था 18 नवंबर 1962 को, तो उसमें मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में लगभग 120 जवानों ने, जो यादव कम्युनिटी के थे, 120 जवानों ने 1700 चीनियों, लगभग 1300 से 1500 चीनियों को मारा था। अब आप समझ लो उसमें सिर्फ 6 लोग बचे थे, 6 जवान बचे थे, 114 लोगों ने 1300 चीनियों को मारा था। आप सेंस लगाओ कि एक एक जवान ने कितने चीनियों को मारा होगा। अखिल भारतवर्षीय यादव समाज का संरक्षक हूँ और उन्हीं के बैनर से ये भाई साहब अभिषेक जी आए हैं और गौरवित हैं हम कि आज हमारा एक यादव जो हमारे शहीद हुए 114 से ऊपर, उनके श्रद्धांजलि है तो उनको सही श्रद्धांजलि के लिए आज भाई साहब निकले हैं और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी जो यात्रा पूरी हो सफलतापूर्वक और जो आप निकले हैं उद्देश्य लेकर वो पूरा हो, यही हम शुभकामनाएं भाई साहब को देते हैं और यादव समाज डर कर इनके साथ रहेगा और अजीर रहमन अहिर रेजिमेंट लेके ही रहेगा।